वालिद के मरीज़ हैं, बड़ी एज में हैं, प्रॉपर तौर पे उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा जी। किस तरह से देखते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से ज़रूरी है? अगर हम स्ट्रोक की बात करें ना, तो बेसिकली इसकी रीहैब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम करती है। ब्रेन इंजरी में सेंट्रल फटीग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट दिमागी तौर पर थक। ये फैमिली को ये आइडिया होना चाहिए कि जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं वो गोल्डन डेज हैं, हमने उसमें अपनी उसके मूड इश्यूज़ को मैनेज करना है। वी शुड गो एंड हैव एन ओपिनियन फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट। जो स्ट्रोक इवेंट के रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें आती है ओबेसिटी आती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अमाडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस गेस्ट को, जिस पर्सनैलिटी को मधु कर रखा है जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रोक मैनेजमेंट के हवाले से। बहुत सारे ऐसे लोग परेशान होते हैं कि जनाब उनके घर में स्ट्रोक का पेशेंट होता है, फालिज का पेशेंट होता है, और फिर उसको वो डील करने में उनको खासे मसाइल होते हैं। और इनिशियली बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको डी ट्रैक कर दिया जाए मिस हैंडलिंग की वजह से, उनका केस जो है वो ख़राब होने की वजह से उनको बेहतर तरीके से जनाब ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। इस पूरे मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहतशामुल हक, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और इनके जनाब स्पेशलिटी हैं जॉइंट मोबिलिटी, और इसके साथ साथ मसल लेंथ असेसमेंट एंड मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज रखते हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडियो, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस मौजू को आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, बड़ा अहम मौजू है और इस पर लोग अमूमन बात नहीं कर रहे होते, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि स्ट्रोक के जो फालिज के पेशेंट होते हैं, बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि फालिज के मरीज हैं, बड़ी एज में हैं, प्रॉपर तौर पे उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा जी। किस तरह से देखते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से ज़रूरी है और उनको किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं? बेसिकली द लैक ऑफ अवेयरनेस इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। फैमिली और केयर गिवर्स को उस अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्ट्रोक रिहैब में सबसे क्रूशल रोल प्ले करती है। सो आई एम हेयर टू अवेयर दीज फैमिलीज एंड केयर गिवर्स कि हमने इसको कैसे और क्या टाइमलाइंस और उसके अकॉर्डिंग इनको लेके चलना है। अच्छा, इसको किस तरह से देखते हैं कि बहुत सारे हम मरीज़ ऐसे देखते हैं कि जनाब उनको जैसे फालज होता है और वो किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ मेडिकेशन मिलने के बाद जनाब उसको टोटली छोड़ देते हैं, ना कोई फिजियोथेरेपी होती है, रिहैबिलिटेशन के पास नहीं जा रहे होते। इसको किस नज़र से देखते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस है या लोग उस तरह से परसू नहीं कर पा रहे होते? देखिए, अब स्ट्रोक रिहैब की बात करें तो ये स्टार्ट होती है जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल से, एक्यूट केयर से डिस्चार्ज होकर घर पहुँचता है। नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड केयर गिवर्स, राइट। सो यूजली होता ये है, स्ट्रोक पेशेंट की सिर्फ फिजिकल वीकनेस नहीं होती, उस टाइम उसको स्पीच के प्रॉब्लम्स हैं, बॉवल एंड ब्लैडर के इश्यूज चल रहे हैं, राइट। मूड डिसऑर्डर्स बड़े प्रिवेल्ड होते हैं जिसमें डिप्रेशन आता है, और उसके साथ उसकी फिजिकल वीकनेस है। अब इन सारी चीज़ों को हमने पैरेलल लेके चलना है। इवन अगर हम नहीं, रिसोर्सेज कम है, नहीं लेके चल सकते, तो एटलीस्ट हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। स्ट्रोक पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड मूड होता है उसका इनिशियली। सो हमें फैमिली का ये रोल आता है वहाँ पे कि इन ऑर्डर टू इन्हांस द पोटेंशियल ऑफ रिकवरी, उनको ये चाहिए कि इनिशियली कोई भी गैदरिंग उस रूम में, कोई भी ऐसी डिस्कशंस फैमिली की नहीं होनी चाहिए जो कि स्ट्रेसफुल हो। अच्छा, क्योंकि इवन इफ वो आपकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा, लेकिन ये चीज़ें उसको मज़ीद डिप्रेस करती हैं और रिकवरी में प्रॉब्लम होती है। देन अगेन कुछ विजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली को नहीं आइडिया, वो इधर साइड पे खड़े होके उनसे बात कर रहे होते हैं। होता ये है कि यूजुअली पेशेंट को, क्योंकि ये ब्रेन इंजरी है, ब्रेन इंजरी में सेंट्रल फटीग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट दिमागी तौर पर थका हुआ होता है, सुस्त हो जाता है। विजुअल डिसऑर्डर है, उसकी सिर्फ फ्रंट विजन होती है, साइडवेज जो है इनिशियली वो डिस्टर्ब हो सकती है या उसमें इम्पेयरमेंट होती है। ठीक है, तो जिसने भी बात करनी है, पहली बात तो ये कि एक बंदा एक वक्त में उनसे बात करे, और जो बात करनी है वो बिल्कुल उसके बेड के फुट एंड पे आके करे, ताकि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बात को समझने में और आगे जो भी है वो आंसर करने में। सो ये फैमिली के लिए ज़रूरी है। फिर यूजुअली हमारे यहाँ कल्चर ये है कि वो पता लेने जो आते हैं, सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग कन्वर्सेशंस उनकी होती है, और वो तीमारदारी का कह के आते हैं, जी हम तीमारदारी करने जा रहे हैं। बिल्कुल, बेसिकली हमने उनकी पेशेंट के लिए अगर भला करना है तो वो ये बात है कि जस्ट अवॉइड दीज डिस्कशंस इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट्स। आप उनको बाहर से ही, अच्छा ये है कि आप उनको बाहर से फ्री कर दें, और स्ट्रोक पेशेंट से इंटरेक्शन कम से कम होना चाहिए, उतनी ही अच्छी उसकी रिकवरी होगी, उतने ही एलिमेंट्स ऑफ डिप्रेशन कम होंगे,
और आप स्मूथली इसको आगे लेके चल सकते हैं। अच्छा, ये जितने भी मल्टीपल डिसऑर्डर्स आपने गिनवा चुके हैं, एक तो साइकोलॉजिकली भी होता है और दूसरी जब बात देखते हैं कि फैमिली, जो भी बंदा केयर गिवर होता है फैमिली का कोई भी है, उसकी 24/7 आवर उसकी जॉब होती है और उसको भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस तो होती है, उसको क्या करना है और फैमिली के दूसरे मेम्बरान को क्या करना है, चूँकि आप एक सिर्फ वो पेशेंट नहीं है बल्कि वो पूरे घर के लिए एक दर्द सर बना होता है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे घर में ऐसे लोग भी हमें कंप्लेन कर रहे होते हैं, जनाब डॉक्टर साहब इनको जल्दी ठीक कर दें और हमारी जान छूटे इनसे, और यूजली हमारे यहाँ तो बुज़ुर्गों को भी उस तरह से दूर ही रखने की कोशिश की जा रही होती है। इसको किस नज़र से देखते हैं कि पेशेंट को डील करने वाला जो केयर गिवर है उनको किस तरह से डील करना चाहिए और उनकी काउंसलिंग के लिए साइकोलॉजिकली उनको किस तरह? हम ये समझते हैं कि अगर फैमिली को पैटर्न ऑफ रिकवरी का आइडिया है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कोप कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देर इज़ अ इमोशनल एलिमेंट अटैच्ड विद द फैमिली कि वो अपने चाहते हैं कि वो जो उनका डियर वन है वो जल्दी से जल्दी बैक टू द नॉर्मल लाइफ आए। लेकिन इसमें पैटर्न ऑफ रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वो उनको आइडिया है इसकी रिकवरी कैसे होनी है और इवन आफ्टर रिकवरी ही इज गोइंग टू बी अ टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल, तो मेरा ख्याल है वो जल्दी प्रिपेयर हो सकते हैं मेंटली और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कोप कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ स्ट्रोक का कोई भी पेशेंट है उसका हमें नहीं आइडिया कि वो कितने वक्त में ठीक होगा, और यूजुअली हम भी ये देख रहे होते हैं कि कोई भी अक्यूट स्टेज में जब पेशेंट आ रहा होता है और तो लग यही रहा होता है कि जनाब इसके 6 महीने और साल ये तकरीबन ले जाएगा। क्या टाइम इंटरवल होता है इसको फर्स्ट अगर देखा जाए कि फर्स्ट केसेस में कि इसको किस तरह से हम देखते हैं आगे कितना टाइम? इसमें बहुत सी फैमिलीज स्ट्रगल करती हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो प्रॉपरली गाइड भी नहीं करते। एज फार एज स्ट्रोक इज कंसर्न, तो जो इसकी रिकवरी टाइमलाइंस और पोटेंशियल ऑफ रिकवरी जिसमें मैक्सिमम होता है वो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं। अगर उससे बंदा लेट हो गया तो फिर? उससे अगर बंदा लेट हो गया तो देखें जो रियलिटी है वो ये है कि देर इज नो फर्दर रिकवरी पॉसिबल आफ्टर, मेडिकल साइंस ये कहती है जी। सो वी यूजुअली अगर हम फ्लेक्सिबल हो तो हम कहते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स टू 8 मंथ्स और 1 ईयर। हमने ये देखा है कि फैमिलीज अपने पैसे ज़ाया कर रही होती हैं, इवन आफ्टर द ईयर्स वो उसका इलाज करवा रहे होते हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आगे से उनको अफेक्शनेट बिहेवियर्स देते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ इमोशनल जो अटैचमेंट्स हैं उनका मिसयूज किया जाता है। तो ये फैमिली को ये आइडिया होना चाहिए कि जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं वो गोल्डन डेज हैं, हमने उसमें अपनी पूरी एफर्ट करनी है कि हम उसकी जितनी बेहतरी ला सकते हैं लेके आएँ, और उसके बाद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जितनी रिकवरी हो गई है अब उसका इफेक्टिव यूज़ करके जल्दी से जल्दी उसको एडजस्ट करना है रिटर्न टू लाइफ इन हिज एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, उसके मुताबिक चलना है उसको लेके। तो अच्छा, ये जो आपने बात की कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस में भी कुछ कुताहियाँ हैं, लोग कोई और पेशेंट अगर आ रहा है रिहेबिलिटेशन का है तो वो कोशिश करते हैं कि हम ही उनको डील कर रहे हैं, और इवन चूंकि बहुत से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा बट ये कि बहुत सारे इंडिविजुअल डॉक्टर्स ये कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमें कौन सा पेशेंट देखना है, किसको कह रहा ताकि कोई मरीज ना बाद में उसका खराब ना हो जाए केस। जी बिल्कुल, इसमें देखें अगर हम स्ट्रोक की बात करें ना तो बेसिकली इसकी रीहैब मल्टी डिसिप्लिनरी टीम करती है। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस देखें, यूजली पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में यू हैव अ स्ट्रोक फिजिशियन ऑन बोर्ड, यू हैव अ फिजिकल थेरेपिस्ट, you have an occupational therapist, you have a speech and language pathologist, and then there's a psychologist. तो ये इन सब की इनपुट होती है जो कि एक स्ट्रोक पेशेंट को मैनेज करते हैं। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ फैमिलीज इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट एट सम पॉइंट वी नीड टू हैव देयर ओपिनियंस, क्योंकि ये उनकी डोमेन है, उसके मूड इश्यूज को मैनेज करना है, वी शुड गो एंड हैव एन ओपिनियन फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट, फिजिकल वीकनेस फिजिकल थेरेपिस्ट, उसके बॉवल्स एंड ब्लैडर इश्यूज, उसकी बाकी जो भी ज़रूरियात हैं, मेडिकेशंस हैं, मैनेजमेंट है, वो उसके फिजिशियन देखेंगे, और इसी तरह इनकी जो स्पीच इश्यूज आते हैं बड़े कॉमन हैं वो आपकी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। सो हर एक का बहुत वाइटल रोल है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट ऑफ स्ट्रोक, के पेशेंट को किस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि ये उसको बीमारी लग गई है, उसको किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं? देखें, वी वर्क इन अ स्ट्रोक रिहैब यूनिट और उसमें हमने स्ट्रोक पेशेंट्स को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किया है। हमारे यहाँ फैमिली और सोसाइटी वो उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करती उन इंडिविजुअल्स को आफ्टर द स्ट्रोक। यूजुअली फैमिली नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर एक स्ट्रोक इवेंट हुआ है
हमें एटलीस्ट उसकी जो मेडिकेशंस और जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो सबसे ज़रूरी है कि पहले स्टार्ट हो जाए, क्योंकि रिस्क फैक्टर ऑफ सेकंड स्ट्रोक इज़ डबल। अच्छा, डबल है? यस, राइट। और उसमें प्रोग्नोसिस ऑफ रिकवरी बहुत पुअर हो जाता है। ठीक है, तो हमें ना सिर्फ इस इवेंट को रिहैब करनी है बल्कि उसको प्रिवेंट करना है कि कोई नेक्स्ट ऐसा इवेंट ना हो। ठीक। फिर उसकी जो हमने उसको अंडरस्टैंड करना है वो उसकी नीड्स हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाती हैं। कोई भी डिजीज़, कोई इन्फेक्शन, कोई स्ट्रेस उसकी फिजिकल वीकनेस को वापस ले आती है। और एक तो परेशान नहीं होना इसमें, ये क्योंकि ब्रेन इंजरी है इट स्टेज देयर, तो वो वीकनेस वापस भी आ जाए तो इट्स पार्ट ऑफ द नेचुरल पैटर्न ऑफ डिजीज़। ठीक। और दूसरा जो सोसाइटी को समझना चाहिए, यूजुअली द पेशेंट्स कंप्लेंड अस के जब भी वो बाहर जाते हैं, वो आ रहे होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लोग उनको अजीब नज़रों से देखते हैं। स्पेशली जो हमारे ये जो एस्टेब्लिश्ड एरियाज़ हैं, इसमें कोई लॉ नहीं है कि जिसमें कोई ऐसे पाथवेज बनाए जाएं जिसमें उनकी एक्सेस ईजी की जाए। इजी हो। वो सफ़र करते हैं टू मूव इन एंड आउट ऑफ द बिल्डिंग्स, उसका लॉ होना चाहिए जो सेपरेट पेमेंट्स उनके लिए होने चाहिए। सोसाइटी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि हमने इनको बैक टू लाइफ कैसे लेके आना है बाय सपोर्टिंग देम। बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं कि अच्छा। जब ऑब्वियसली आप उनको एज अ स्पेशल इंडिविजुअल जब आप उनको देख रहे होते हैं तो दे फील वेरी लो एट दैट पॉइंट। दे आर नॉर्मल इंडिविजुअल्स, बस हमें उनको सपोर्ट करना है और मोटिवेट करना है जिस करेज के साथ दे आर ट्राइंग टू get back to their own life. डॉक्टर साहब, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? एक तो आपने बता दिया कि एक दफ़ा अगर स्ट्रोक हुआ है तो दूसरी दफ़ा उसकी रिकवरी में बहुत डिले हो जाता है या उस तरह से आप इफेक्टिवली नहीं रिकवरी कर पाते। इसके अलावा क्या रिस्क फैक्टर्स देखते हैं इसमें? देखिए, जो जो स्ट्रोक इवेंट के रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें आती है ओबेसिटी आती है, हमारे कोलेस्ट्रोल लेवल्स जो हाई होते हैं हमें नहीं आइडिया होता, देन ऑब्वियसली कोमॉर्बिड कंडीशंस आती हैं, डायबिटीज़ ये चीज़ बहुत रोल प्ले करती है, स्मोकिंग है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हैं, और फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की फैमिली में किसी के पेरेंट को ये इवेंट हुआ है तो उसके पूरे जो आगे फैमिली है, बच्चे हैं, दे नीड टू बी उनको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमें हो सकता है कैसे। यस, उनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर इंडिविजुअल कि आप स्ट्रोक की तरफ जा सकते हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि वो उनके जहन में और वो अपनी रूटीन मेंटेनेंस, ये जो सारे चेकअप्स हैं ये करवाएं। अगर आप कोलेस्ट्रोल लेवल्स को अर्ली कंट्रोल कर लेते हैं तो उसमें अर्ली मैनेजमेंट शुरू हो जाती है और आप इस चीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी डिसेबलिंग कंडीशन है। बिल्कुल जी, इस बीमारी से बचाव के लिए बहुत सारी आपको तगदू करनी पड़ती है। अल्लाह ताला इस बीमारी से आपको महफूज रखे। जनाब, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर एहतिशाम लाक का, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट थे। उम्मीद करते हैं आज का सेगमेंट, आज का जो शो है आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर अमाडा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।